ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तैयद का साहब, आज किस मामले पे मसलत करनी है? हुजूर, आपके लिए खास इल्तजा दीवाने खास में पेश हुई है। फरमाइए। हुजूर, हमारे हिंदू आवाम के नुमाइंदे आपका दीदार करना चाहते हैं। आपने जो तीर्थ कर हटाने का ऐलान किया है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो एक नजराना पेश करना चाहते हैं। शुक्रिया तो ठीक है अदका साहब, लेकिन हमने बस अपना फर्ज निभाया और उसके बदले हम कोई नजराना कबूल नहीं कर सकते। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, मगर हमें नहीं लगता कि आप इनकार कर पाएंगे। अब दीवाने खास में ये बात रह गई है, तोहफे कबूल करना। आदम, जब किसी चीज की मुखालफत करना अपने हाथ में ना हो तो खून जलाने से कोई फायदा नहीं। बेहतर होगा कि जो हो रहा है उसका मजा लिया जाए। शहंशाह, आपने जो हम पर कृपा की है उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं।
शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, हमने बस अपना फर्ज निभाया है। इस फर्ज को समझ पाना बहुत बड़ी बात है शहंशाह। आज संसार को आपने एक सीख दी है कि हर किसी को अपना धर्म मानने का, अपनी तरीके से पूजा करने का अधिकार है। सर्वोधर्म सद्भाव का जो उदाहरण आज आपने रखा है, वो सदियों तक संसार का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपने तीर्थ कर हटाकर न केवल अपने उदार हृदय का परिचय दिया है, बल्कि हम लोगों पर से बड़ा आर्थिक बोझ भी हटा दिया है। एक शहंशाह अपने अवाम के लिए अतालिक की तरह होता है। अपने अवाम की मुश्किलों को समझना, उसके जज्बात की कदर करना एक शहंशाह का फर्ज होता है। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम इसी तरह अपने फर्ज निभाते रहें, अपनी अवाम को खुश रखें और उनकी खिदमत करते रहें। अपने इस महान शहंशाह के लिए हम एक छोटी सी भेंट लाए हैं, कृपया स्वीकार करें। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि आपकी दुआ और मोहब्बत ही हमारे लिए काफी है, हमें किसी नजराने की जरूरत नहीं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए, हमें अति प्रसन्नता होगी। इनकी चाल, शहंशाह के जज्बात का फायदा उठा रहे हैं। हाँ हाँ, कुरान शरीफ का नजराना देकर शहंशाह को हिंदुओं की तरफ खींचा जा रहा है। अपने सही कहा था अदका साहब, हम इस नजराने से इनकार नहीं कर सकते। वक्त हमें क्या महसूस हो रहा था मरे मुसलमान, इन दो नुमाइंदों ने हमें कुरान पाक नजर की। उस दिन एहसास हुआ कि जिस चांद को देख कर ईद के आने का ऐलान होता है, वही चांद हिंदुओं में करवा चौथ को पूजा जाता है। महसूस हुआ हमें कि जब खुद खुदा ने मजहब की दीवार नहीं बनाई, तो हम तो खुदा के बंदे हैं, हम कैसे ये दीवार बना सकते हैं। उस दिन हमारे हाथ इस दुआ में उठे कि या खुदा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, जितनी जल्दी हो सके जोधा बेगम को आगरा वापस भेज दे। आपने हमें याद किया? हाँ जलाल, हमने आपको बहुत याद किया। हमें आप पे बहुत फक्र है, आवाम खुशी के मारे पागल हो रही है। इस तीर्थ कर्त को हटा के आपने एक बहुत बड़ा और नेक काम किया है। कमाल है, आप इस कदर खुश हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे इस फैसले से नाखुश हैं। मुझे लगता है कि हमने ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया है ताकि हम हिंदुओं को खुश कर सके। जलाल, आप इतना मत सोचिए और सच कहे, लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। जलाल, हमें पूरा यकीन है कि आप कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकते। देखिए ना, आवाम की खुशी बता रही है कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया, रुकिया। लेकिन हमें लगता है कि इस फैसले को लेने में हमने बहुत देरी कर दी, हमें एक कदम बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था। मतलब? आपको याद होगा रुकिया, एक बार हम और जोधा बेग शेख सलीम साहब के पास गए थे, एक आम इंसान की भेस में। तब हम खुद इस लगान से हो रही परेशानी के चश्मदीद बने थे। ये फैसला हमें उसी वक्त ले लेना चाहिए था। कोई बात नहीं जलाल, देर आए दुरुस्त आए, अब इस नेक काम के लिए जश्न मनाया जाए। आइए ना, एक शतरंज की बाजी हो जाए। हम आपके साथ जरूर खेलते रुके, लेकिन फिलहाल हमें कुछ सियासी मुद्दों पर गौर फरमाना है, इजाजत चाहते हैं। जलाल, आज हम इनकार नहीं सुनेंगे। आपको सबकी खुशी का ख्याल रहता है, लेकिन
हम जो आपके सबसे करीबी दोस्त हैं, बेगम एक खास है, आपको हमारी जरा सी भी फिक्र नहीं है। जाइए। ठीक है रुकैया, लेकिन सिर्फ एक बात ही। ठीक है, अगर आप अपने आप को दूसरी बाजी खेलने से रोक पाए तो। आपकी चाल। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा बाहर एक। कितनी बार कहा है तुमसे, जब हम शहंशाह के साथ हो तो हमें खलल पसंद नहीं है। जी हुजूर, मगर ना मतलब ना, समझ में नहीं आता तुम्हें? इतना गुस्सा ठीक नहीं है रुकैया, क्या बात है? हुजूर, आमिर से एक पैगाम आया है आपके लिए। आमिर से? पैगाम है तो क्या, पैगाम बाद में भी पढ़ा जा सकता है। तुम जाओ यहाँ से। नहीं रुकैया, हमारे ये देखना जरूरी है, हो सकता है कोई संजीदा मसला हो। हम अभी आते हैं। आमिर आमिर आमिर, यहां से जा चुकी है मगर वहां बैठे बैठे भी जलाल को हमसे दूर खींच रही है। आपके लिए राजा भारमल जी ने ये संदेश भेजा है। आज्ञा दीजिए शहंशाह। ये एक पैगाम है, जरा हमें पढ़कर सुनाना। लेकिन जलाल, हमारी शतरंज की बाजी का क्या? हम आपसे वादा करते रुकैया कि अगली बार एक नहीं दो दो बाजी आपके साथ खेलेंगे, लेकिन फिलहाल आप हमें ये पैगाम पढ़कर सुनाइए। ठीक है, लेकिन दो बाजी। पक्का? ये पैगाम। शहंशाह को भारमल का प्रणाम। आपको सूचना देते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि जोधा ने आगरा लौटने का निर्णय कर लिया है। आगे बढ़िए। जी, इस पत्र को भेजने से पहले ही जोधा अपने भाइयों के साथ प्रस्थान कर चुकी है। जब तक आपको ये पत्र मिलेगा, वो यात्रा का बड़ा भाग तय कर चुकी होंगी। ईश्वर आपको प्रसन्न रखे। राजा भारमल। इसका मतलब जोधा बेगम ने हमें माफ कर दिया। या खुदा, आपने हमारी दुआ कबूल कर ली। हम आपको बता नहीं सकते कि यहाँ हम कितने खुश हैं रुकैया। रुकैया, हम आपके साथ फिर कभी शतरंज खेलेंगे, लेकिन फिलहाल हमें जोधा बेगम के इस्तकबाल के इंतजाम करने हैं। आपने हमें हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पैगाम पढ़ के सुनाया है, शुक्रिया। अम्मी जान, हमारी बीवी, आपकी बेटी वापस लौट रही। क्या? एक बार फिर से कहो जलाल। अम्मी जान, अभी आमेर से पैगाम मिला है कि जोधा बेगम आगरा के लिए निकल चुकी है। जलाल, तुम नहीं जानते तुमने हमें क्या खबर दी है। या खुदा, तेरा लाख शुक्र, आखिर तूने हमारी दुआ कबूल कर ही ली।
हलीमा बेगम, हमें चुटकी काटिए। हम नहीं चाहते कि हमारी आंख खुले और हमें लगे कि ये सब एक ख्वाब है। ये ख्वाब नहीं अम्मी जान, ये हकीकत। हम जानते हैं कि जो गुनाह हमसे हुआ वो काफी संजीदा है, लेकिन हमने ये उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि एक दिन आप हमें माफ कर देंगे। जलाल, जो बीत गया उस पर शर्मिंदा होकर कुछ हासिल नहीं होगा। हम चाहते हैं कि तुम बीते हुए कल से सबक लो और आने वाले कल को बेहतर बनाओ। हमें उम्मीद है कि तुम और जोधा इस वाकये से सबक लोगे, एक दूसरे पर यकीन बनाए रखोगे, एक नई शुरुआत करोगे। और इस नई शुरुआत की शुरुआत भी बेहद खूबसूरत होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जोधा का इस्तकबाल बड़े पैमाने पर हो। बेशक अम्मीजान, ऐसा ही होगा। मुगल सल्तनत की बेगम माँ की बेटी, हमारी बीवी आगरा का नूर वापस लौट रहा है। उनके वापस आने की खुशी में सिर्फ ये महल ही नहीं, पूरा आगरा जश्न मनाएगा। अम्मीजान की वजह से ही हम सिर्फ जमीन पर ही नहीं, लोगों के दिलों पर हुकूमत कर पाए। उनकी सीख की वजह से हम जिले लाही बन पाए, जिसकी वजह से आज लोग खुदा के बाद हम पर यकीन करते हैं। इसलिए आप फिक्र मत करिए, यकीन मानिए हमारा कि उनका इस्तकबाल इतना बड़ा होगा कि तारीख याद रखेगी। और सलीमा बेगम, हमें आपकी मदद चाहिए। हुक्म कीजिए शहंशाह। हम चाहते हैं कि हरम के इंतजामात की निगरानी आप रखें। जोधा बेगम का ख्वाब गांव के कानों को रखने की जगह को संवारने की जिम्मेदारी आपकी होगी। हमें ये जिम्मेदारी निभाकर खुशी होगी शहंशाह। और सबसे ज्यादा खुशी हो रही है आपको महीनों बाद इतना खुश देखकर, आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर। हम वाकई आज बहुत खुश हैं। मैं पहली बार जिंदगी में ऐसा एहसास हो रहा है, और हम इस एहसास को जीना चाहते हैं। मिजान, हमें उम्मीद थी कि आप हमें मुआफ जरूर करेंगी। इजाजत चाहते हैं। सब लोग जान चुके हैं कि जोधा बेगम वापस आगरा आ रही हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब लोग गौर से सुने कि किस किस की क्या जिम्मेदारी है। अदगा साहब, हम चाहेंगे कि आप कुछ तेज घुड़सवारों को आमिर के रास्ते की ओर रवाना करें। उन्हें कह दिया जाए कि वो जोधा बेगम के हर पड़ाव की खबर हम तक पहुंचाएं। हम हर घंटे जानना चाहते हैं कि जोधा बेगम कहां तक पहुंची है। हुक्म की तामील होगी हुजूर। हमें खुशी है कि आप लौट रही हैं जोधा बेगम, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि हमारी जिंदगी में नहीं, जलाल की जिंदगी में लौट रही है। मानसिक, हम चाहेंगे कि जोधा बेगम का इस्तकबाल राजवंशी सलीके से हो। आपकी बुआ सा इस महल की शान है, इसलिए हम चाहेंगे कि उनके इस्तकबाल की शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मानसिक, हम चाहेंगे कि आप कुछ आला अहदेदारों के साथ जोधा बेगम के पास जाएं और आगरा पहुंचने से पहले उनकी शाही अगवानी करें। जोधा बेगम इस शान से आनी चाहिए कि यहां से जाने का गम वो भूल जाए। जी शहंशाह, आदेश का पालन होगा। प्रणाम शहंशाह। और आगरा को तैयार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है शरफुद्दीन। इस आगरा को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। जोधा बेगम को महसूस होना चाहिए कि पूरा आगरा कितनी शिद्दत से उनकी लौटने की राह देख रहा था। रास्ते में फूलों की चादर बिछा दी जाए, शहनाई और नगाड़ों के साथ उनकी अगवानी की जाए, और अगर आप चाहें तो शहाबुद्दीन को अपने साथ ले जाएं अपनी मदद के लिए। आप क्या सोच रहे हैं शरफुद्दीन? जोधा बेगम ज्यादा दूर नहीं है, आपको बहुत सारी तैयारियां करनी है। जो हुक्म शहंशाह। और टोडरमल साहब, आगरा के दरवाजे पर हम जोधा बेगम की अगवानी खुद करेंगे। हम चाहेंगे कि आप तमाम इंतजामात एक बार फिर से देख लें। उनकी अगवानी इस तरह होनी चाहिए कि तारीख में आज तक किसी की ना हुई हो। जो आ गया शहंशाह। आप नहीं जानती जोधा बेगम कि आपके आने की खबर से हम कितने खुश हैं। हमारे दिल का बोझ हल्का हो गया है। सुना मोती भाई, आमिर से पैगाम आया है। जोधा बेगम आगरा लौट रही है। शहंशाह ने उनकी अगवानी में बड़े इंतजाम करवाए हैं। सच? हाँ। हे काना, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। हमारी सखी जोधा आ रही है।
उसका कक्ष सजाना होगा। जोधा, तुम्हारा आना ऐसा है जैसे अंधकार के साम्राज्य में प्रकाश का आना। सारे इंतजामात माकूल होने चाहिए। आदाब शहंशाह। आदाब अदगर साहब। अदगर साहब, अपने घुड़सवारों के एक टुकड़े को भिजवा दिया है ना, हमारे कदम पर जोधा बेगम की खबर चाहते हैं। हुक्म की तामील की जा चुकी है शहंशाह, हमें दिल से खुशी है कि आपके चेहरे की मुस्कान लौट आई है। हम बचा फरमाते हैं अदगर साहब, जोधा बेगम जिंदगी से गया कहीं हर उम्मीद हर खुशी खो दी थी हमने, लेकिन आज जब उनके आने की खबर मिली है तो दिल के अंधेरे में एक रोशनी जाग गई है। हम बता नहीं सकते अदगर साहब कि हम आज कितने खुश हैं।